देखिए ये गंदी राजनीति है, गंदी राजनीति होने के कारण ऐसा नहीं आया है। जिन पार्षदों को आना था और जिन पार्षदों ने अपने नगर निगम के लिए अपने वार्ड के लिए सोचे हैं वो पार्षद यहाँ उपस्थित है। यहाँ आप देख लीजिए, आपको विमल संदीप हो गया है, सुनील टोप्पो हो गए, कुलभूषण डुंगडुंग हो गया, प्रदीप जी हैं, आपका क्या बोलते हैं सलाउद्दीन जी हैं, संगीता जी हैं, पुष्पा है, ऐसे आठ पार्षद हैं और आठों पार्षद को पता है, सुनील टोप्पो हैं, कई ऐसे नौ पार्षद हैं। तो ये पार्षद अपने जिम्मेवार को समझते हैं। देखिए कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि जिम्मेदार होता है, जनता उनसे जवाब मांगेगी कि आपने क्या किया है। बोर्ड बैठक ही एक ऐसा है वार्ड पार्षदों के लिए जहां से विकास का काम, विकास का योजना हो सकता है। बिना बोर्ड बैठक का कोई भी काम संभव नहीं होता है। तो जिनको लगता है कि हम काम करने के लिए हैं वो जिम्मेवार है जो आए, अगर जो नहीं आए हैं उनकी गंदी राजनीति है। मैंने पहले भी कहा गंदी राजनीति है, वो अपने जो शक्ति है उसको पहचानना चाहिए, जहां जो जनता उन्हें चुन के भेजे उनको समझना चाहिए और ये राजनीति से दूर होना चाहिए, गंदी राजनीति से। कहते हैं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो इस टाइप का बात करनी चाहिए। जो पार्षद नहीं आए मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि इस टाइप का गंदी राजनीति ना करें, बोर्ड बैठक में आए और रांची की जनता का हित के लिए काम करें। कहता है कि उसमें गणपोती की आवश्यकता नहीं होती, और हाँ बशर्ते कि एजेंडा में वही विषय होने चाहिए जो विषय पहले तय किए गए थे जिसके कारण से हो गए। लेकिन एजेंडा में अगर वही है जिसके कारण से बैठक स्थगित हुए थे तो फिर इसमें